अगर न्यायालय में 100% निष्पक्ष सुनवाई संभव हो तो सोनिया गांधी एंटोनिया माइनो की भारतीय नागरिकता और लगातार संसद सदस्य के रूप में निर्वाचन हो सकते हैं अवैधानिक सिद्ध। सुप्रीम कोर्ट के वकील और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के आधिकारिक प्रवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर तीखा हमला किया है। विष्णु शंकर जैन ने कहा, सोनिया गांधी भारत की नागरिक नहीं है बल्कि भारतीय नागरिक है। उन्होंने ये बातें आरजे रौनक द्वारा होस्ट किए गए रौनक पॉडकास्ट के एपिसोड में की। विष्णु शंकर जैन ने पवित्र धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों से जुड़े कई मामलों में हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। वे बाबरी मस्जिद अयोध्या, ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी, ताजमहल आगरा और कुतुब मीनार नई दिल्ली को लेकर कानूनी लड़ाई में शामिल हुए हैं। जैन ने कहा, उनके पिता हरिशंकर जैन का सोनिया गांधी के खिलाफ चुनावी अभियान सत्ता की चाहत नहीं था। वे भारत के नागरिक के रूप में उनकी स्थिति को चुनौती देना चाहते थे। उस समय वे 14 साल के थे। उन्होंने कहा, मेरे पिता जीतने के लिए नहीं लड़े थे। उन्होंने एक बात साबित करने के लिए लड़ाई लड़ी थी कि सोनिया गांधी भारत की नागरिक नहीं थी। इसी बात ने सारा अंतर पैदा कर दिया। विष्णु शंकर जैन ने कहा, मेरे पिता ने 1999 में सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव जीतने के लिए नहीं हारने के लिए लड़ा था। उनका उद्देश्य यह साबित करना था कि वे भारत की नागरिक नहीं हैं। मैं तब बहुत छोटा था। मैं उनके साथ कोर्ट आया करता था। मैं 14 साल का था। अपनी आंखों से पूरी सुनवाई देखी है। तर्क यह है, भारत में चुनाव लड़ने के लिए योग्यता भारत का नागरिक होना है। इसका मतलब है कि जो आदमी यहाँ पैदा हुआ है, इस जमीन का है, वही यहाँ चुनाव लड़ सकता है और इस देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा ले सकता है, संवैधानिक पद पा सकता है। जो लोग नागरिकता लेते हैं वे भारत के नागरिक नहीं हैं, वे भारतीय नागरिक हैं। जैन ने कहा, मेरे पिता ने सुप्रीम कोर्ट के जज रमेश चंद्र लाहोटी से कहा था कि मैं यहाँ पर कुछ मांगने नहीं आया हूँ। मैं वो दिन नहीं देखना चाहता हूँ कि एक दिन ऐसा हो सकता है कि बेनजीर भुट्टो भारत आएगी, यहाँ पर किसी से शादी करेगी और पूरे देश को, कश्मीर को पाकिस्तान को दे देगी। उस दिन पूछा जाएगा कि इस देश की न्यायपालिका ने सही समय पर हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। वहीं इससे पहले राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर विवाद हाल ही में फिर से चर्चा में आया है, जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन स्थित एक कंपनी के दस्तावेजों में खुद को ब्रिटिश नागरिक के रूप में घोषित किया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस आधार पर राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय से हस्तक्षेप की मांग की है। याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने अपनी नागरिकता की स्थिति के बारे में गलत जानकारी दी थी, जो भारतीय नागरिकता कानूनों के तहत गंभीर मामला है। भारतीय संविधान के तहत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है, इसलिए अगर कोई भारतीय नागरिक खुद को किसी अन्य देश का नागरिक घोषित करता है या किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता रद्द हो सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।